हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक नेचुरल स्वीटनर के बारे में। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्टीविया के बारे में। सो स्टीविया एक प्लांट है जो स्वीट है, इसीलिए इसे एज अ नेचुरल स्वीटनर की तरह डाइट में आजकल इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन क्या ये आपके लिए हेल्दी है? क्या है इसके कॉम्पोनेंट्स? देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स स्टीविया कैन हैव ऑन योर बॉडी? सभी जानकारी और साथ में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे स्टीविया को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। रिसेंटली ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है एंड द क्रेडिट गोज टू डाइट्स लाइक कीटो डाइट, जहाँ पर आपको बहुत ही कम कार्ब्स डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, या फिर लो शुगर और नो शुगर डाइट्स। सभी तरह की स्टीविया जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कौन कौन सी टाइप की स्टीविया जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले आता है स्टीविया इन इट्स मोस्ट नेचुरल फॉर्म, यानी स्टीविया की जो लीव्स होती हैं, ड्राइड लीव्स। प्योर स्टीविया की मैं बात करूँ तो वो 30 से 40 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज कंपेयर टू शुगर। तो कई लोगों को स्टीविया की जो लीव्स होती हैं स्लाइटली बिटर लगती हैं, स्पेशली उसका आफ्टर टेस्ट। दूसरे नंबर पर आता है स्टीविया का एक्सट्रैक्ट। स्टीविया का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो शुगर से, जो हम नॉर्मल शुगर यूज करते हैं, से 200 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। नाउ स्टीविया जो है वो ऑल्टर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, विच इज हाईली प्रोसेस्ड। इसके अंदर GMO इंग्रेडिएंट्स भी पाए जा सकते हैं। ये 200 से 400 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है देन शुगर। इसके अलावा स्टीविया के ब्लेंड भी अवेलेबल हैं, जहां पर स्टीविया को पेयर किया जाता है नॉर्मल शुगर के साथ या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ। स्टीविया जो है अलग अलग फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि आई सेड लीव्स हैं, लिक्विड फॉर्म में भी स्टीविया आपको मिलेगी, पाउडर फॉर्म में भी स्टीविया आपको मिलेगी और ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में भी। हाउएवर स्टीविया का जो टेस्ट है सबको अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों को एज आई सेड इसका टेस्ट थोड़ा बिटर लगता है, कई लोगों को वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मिंथॉल जैसे लगता है, लाइक दे रियली लाइक द आफ्टर टेस्ट ऑफ स्टीविया। नाउ स्टीविया के अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जीरो कार्ब्स होते हैं, तो इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। तो किस तरह से मेटाबोलाइज होता है स्टीविया जब हम इसे कंज्यूम करते हैं? स्टीविया के अंदर पाए जाने वाला स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो हमारे अपर इंटेस्टाइन जो होता है उसमें अब्सॉर्ब नहीं होता है। इसके अलावा उसका ग्लूकोस, जो ब्लड ग्लूकोस लेवल होता है, उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जब ये कोलोन के अंदर पहुंचता है, गट माइक्रोब्स जो होते हैं वहाँ पर इसे मेटाबोलाइज करते हैं। इसके अलावा जो इसका बाकी का पार्ट होता है वो हमारे लिवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज होता है और फिर यूरिन में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। स्टीविया जो है बहुत ही रॉकी पाथ से होकर आया है। अगर हम उसके आज की पॉपुलैरिटी को कंपेयर करें तो इसका जो पास्ट रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। तो जब ये पहले पहले धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था तो 1991 में FDA ने, यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसे US के अंदर बैन कर दिया था, साइटिंग कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। 1995 में एक बार फिर स्टीविया ने जोर पकड़ा और उसे मंजूरी देने के लिए प्रेशर डाला गया FDA के ऊपर। एटलीस्ट उसे एक ऐसी कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसे कहते हैं जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ, ताकि उसे एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सके। लेकिन वहाँ पर भी स्टीविया को मंजूरी नहीं मिली, उसे अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन दिसंबर 2008 में आखिरकार स्टीविया को अप्रूवल मिल गया। लेकिन स्टीविया इन रॉ फॉर्म नहीं, स्टीविया इन अ वेरी रिफाइंड फॉर्म। स्टीविया जो है काफ़ी कंपाउंड से मिलकर बनता है, उसमें से एक ऐसा कंपाउंड है जिसे FDA ने अप्रूवल दे दिया, यानी रिफाइंड स्टीविया को अप्रूवल मिला। और कहा जाता है ये हुआ सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कोका कोला और पेप्सी के इन्वॉल्वमेंट के बाद, क्योंकि उनकी जो मेन कंपनीज है वो इसे मैन्युफैक्चर करने लगी। हालांकि FDA ने अभी भी होल स्टीविया की लीव्स को मंजूरी नहीं दी है, अप्रूवल नहीं दिया है, वो अभी भी उसे सेफ कंसिडर नहीं करता है। यानी जो स्टीविया
मोस्टली वर्ल्ड में यूज की जाती है वो नेचुरल फॉर्म में नहीं बल्कि बहुत ही रिफाइंड और प्रोसेस फॉर्म में मिलती है। इंडिया में भी 2015-2016 में इसे अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप रॉ स्टीविया को सेल करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टीविया के अंदर क्या होता है। स्टीविया के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और ये सारे कंपाउंड्स आप देख सकते हैं। इनमें से एक कंपाउंड जो है उसे आइसोलेट करके रिफाइंड स्टीविया बनाया जाता है, यानी रिफाइंड स्टीविया जो है वो सिर्फ एक पार्ट है नेचुरल स्टीविया का। और 99% जो स्टीविया के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अंदर बहुत ही लिटिल स्टीविया है, यानी उसके अंदर सिर्फ ये एक आइसोलेटेड पार्ट है स्टीविया का। तो सबसे पहले 1930 में फ्रेंच के एक केमिस्ट ने इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए स्टीविया को आइसोलेट करके उसमें से ये कंपाउंड जो है उसे अलग किया और पाया कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल स्टीविया और टेबल शुगर। लेकिन आजकल जो स्टीविया मार्केट में अवेलेबल है वो एक ऐसे पेटेंट प्रोसेस से गुजरती है जिसमें 40 से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली 40 स्टेप का जो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टू मेक द मैटर वर्स, सम ऑफ दीज केमिकल्स आर कार्सिनोजेनिक। सो ये बहुत ही ऑड है कि स्टीविया जो है जिसे अभी तक FDA का अप्रूवल नहीं मिला है, उस FDA ने स्टीविया का एक पार्ट जिसे केमिकल्स के जरिए, इतने हार्मफुल केमिकल्स के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे अप्रूवल दिया हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल फूड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको स्टीविया यूज करना है तो आप इसका प्लांट यूज करें, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि वो प्लांट को कंज्यूम करने का अप्रूवल अभी तक FDA ने और इंडिया में फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। नाउ स्टीविया जीरो कैलोरी शुगर होती है और यही एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इसके जो सेलर्स हैं वो इसे मार्केट करते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली अगर ये ज़ीरो कैलोरी है और ये आपकी कैलोरी को कट डाउन कर सकती है तो ये वेट लॉस में आपको हेल्प कर सकती है। सो इट मे हेल्प इन वेट लॉस। इसके अलावा इट मे एज डायबिटिक पेशेंट्स, ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, ओरल हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन कर सकता है बिकॉज इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं कैम्फरल एंड क्वार्सिटिन वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिट्स के अलावा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसका ध्यान आपको रखना होगा जब आप स्टीविया को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे। नंबर वन, एलर्जीज। तो जिन लोगों को कुछ स्पेसिफिक प्लांट से एलर्जीज होती है उन्हें स्टीविया से भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि अभी भी FDA और बहुत सारी ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रॉ स्टीविया के कंजप्शन को सेफ नहीं माना है। ऐसे में प्रेगनेंट वुमेन इसे अवॉइड करें और आप बच्चों को इसे देने से अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि स्टीविया का ओवर कंजप्शन कैन बी हार्मफुल फॉर योर किडनी। इसके अलावा ये आपके गट बैक्टीरिया को भी ऑल्टर कर सकता है, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है, यानी हार्मोनल इंबैलेंस को भी कॉज कर सकता है। तो ऑल द फीमेल सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इंबैलेंस शुड स्टे अवे फ्रॉम स्टीविया इन एक्सेस। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हैं वो अगर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके स्टीविया को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। इन सम पीपल इट कैन कॉज ब्लोटिंग, नौशिया एंड मसल पेन। लास्ट में मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि येस इट इज लो इन कैलोरी लेकिन ये कोई मैजिक पिल नहीं है। येस यू कैन कट डाउन सम कैलोरीज लाइक 20 कैलोरीज अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे नेचुरल स्वीटनर के साथ, लेकिन इसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जो अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है। जो भी रिफाइंड स्टीविया है उसमें केमिकली प्रोसेस्ड करके बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। वहीं रॉ जो आपके लिए शायद हेल्दी हो सकता है उसे FDA ने और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अप्रूव नहीं किया है। तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि मॉडरेशन इज़ द की। अगर आप इसे ऐड करना भी चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जिन चीज़ों में आप इसे ऐड कर रहे हैं कि बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके लिए हेल्दी हैं, बिकॉज मोस्टली हम स्टीविया को ऐड करते हैं केक्स में, मफिन्स में
या फिर हमारी कॉफ़ी के अंदर, टी के अंदर, तो कई बार क्या होता है कि हम उन चीज़ों का ओवर कंजप्शन कर लेते हैं थिंकिंग कि हम स्टीविया इनके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो उन सभी इंग्रेडिएंट्स पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ऑल्सो जब भी आप स्टीविया लें, मेक श्योर टू रीड द लेबल, टू रीड द इंग्रेडिएंट्स केयरफुली कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एडिटिव्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेचुरली एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, जो आपके लिए इतने हेल्दी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टीविया। इन द एंड आई वुड से कि अगर आप शुगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो बहुत सारे और भी नेचुरल सोर्सेज हैं जो बहुत सेफ कंसिडर किए जाते हैं। येस, दे आर नॉट ज़ीरो कैलोरी, लेकिन आप अपने कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पोर्शन कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वुड सजेस्ट, इट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, लेकिन अगर आप इसके कंजप्शन करते भी हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख कर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप कौन सा इंग्रेडिएंट चाहते हैं मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूं। Until next time, take care, bye bye.